आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है, जहां आज सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया और फरियादियों की समस्याएं सुनी। इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 287 करोड़ रुपए की अधिक की लागत की परियोजनाओं की सौगात देंगे जनता को, जहां रामगढ़ ताल के निकट महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। करीब 144 करोड़ रुपए की लागत की 61 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण कार्यालय परिसर पहुंचेंगे, जहां करीब 11:30 बजे से आयोजित कार्यक्रम में 1005 करोड़ रुपए निवेश करने जा रहे हैं। 6 उद्यमियों को 45.51 एकड़ भूमि के आवंटन का पत्र प्रदान भी करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा इसी कार्यक्रम में 144 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह जनता दरबार लगाया और उसमें फरियादियों की फरियाद सुनी, तो वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। आपको बता दें, गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है, जहां पे आज बड़ी सौगात मिलेगी जनता को। 287 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम जनता को। यहाँ रामगढ़ ताल के निकट महंत दिग्विजयनाथ पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहाँ करीब 144 करोड़ रुपए की लागत की 61 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम। साथ ही जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, कार्यालय परिसर पहुंचेंगे, जहां करीब 11:30 बजे से आयोजित कार्यक्रम में 1005 करोड़ रुपए निवेश करने जा रहे हैं सीएम। 6 उद्यमियों को 45.5 एकड़ भूमि के आवंटन पत्र भी प्रदान करेंगे। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता से हम जानकारी लेंगे और जानेंगे कि आज क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के, क्योंकि आज एक बार फिर गोरखपुर के दौरे पर है, बड़ी सौगात देने वाले हैं और अपने दूसरे कार्य को संभालने के बाद कई बार गोरखपुर जा चुके हैं सीएम और वहां की जनता को इतनी बड़ी सौगात पहली बार देने वाले हैं। तो दूसरे कार्यकाल में ये बड़ी सौगात देने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को। आपको बता दें कि 11:30 बजे कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां पे 1005 करोड़ रुपए निवेश करने जा रहे हैं सीएम। निवेश के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, साथ ही साथ 6 उद्यमियों को 45.5 एकड़ भूमि के आवंटन का पत्र भी सौंपेंगे। लगातार जनता के लिए काम करते हुए नजर आ रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, निवेश की सौगात देंगे, कई योजनाओं परियोजनाओं की लोकार्पण और शिलान्यास कर जनता को सौगात देंगे। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां गोरखपुर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने जनता दरबार लगाया, फरियादियों की फरियाद सुनी। आपको बता दें कि जब पिछली बार सीएम योगी आदित्यनाथ जनता से रूबरू हुए थे, तो कई लोग उनसे अपनी व्यथा व्यक्त करने पहुंचे थे और ऐसे में सीएम ने काफी नाराजगी भी जाहिर की थी कि क्या अधिकारी जनता की बात नहीं सुनते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सीधा सीएम के पास आना पड़ता है। और आज भी जनता दरबार लगाया, जनता की समस्याएं सुनी और उनको हल करने के निर्देश भी दिए गए। और आज बड़ी सौगात देने वाले गोरखपुर को, 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां आज वो करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री 143 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे, साथ ही साथ 6 उद्यमियों को भूमि का आवंटन पत्र भी वितरित करेंगे। कई कार्यक्रम है जिसमें सम्मिलित भी होने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, जनता की समस्या सुनी, इसी के साथ ही 287 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। रामगढ़ ताल के निकट महंत दिग्विजय नाथ पार्क भी जाएंगे, जहां पे कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, वहां पे बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे, संबोधित भी करेंगे जनता को। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करेंगे और जनता को संबोधित करने के साथ कई अहम बातें भी बोल सकते हैं। गोरखपुर की बदलती तस्वीर को लेकर भी बात कर सकते हैं और इस वक्त जो
करंट मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनके ऊपर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जनता का। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। हिमांशु, आज सीएम योगी आदित्यनाथ के क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित है, क्योंकि आज बड़ी सौगात देने वाले जनता को कई करोड़ की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे, पूरी जानकारी चाहेंगे। बता दें, आज सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पहुंच जाएंगे और यहाँ 100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं जिनका करना है इनको लोकार्पण। और साथ ऐसे में सड़क संपर्क मार्ग, बाढ़ सुरक्षा और शिक्षा आदि इसमें शामिल है जिनका इनको लोकार्पण करना है। तो कुल मिलाकर 100 परियोजनाएं हैं और उनका लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गीडा जाएंगे। गीडा जाने के बाद 6 औद्योगिक क्षेत्रों के जो आगे उनको जो है 64 एकड़ जमीन का जो है प्रशस्ति पत्र देंगे। उनको पत्र देने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। में गोरखनाथ मठ में आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। जी, अगर बात करी जाए सीएम योगी के प्रस्थान की, तो वो कितने बजे गोरखपुर से प्रस्थान करेंगे, प्रस्थान करके क्या वो सीधा लखनऊ अपने आवास आएंगे? जी बिल्कुल, अभी अपने मठ पे जाएंगे और अभी अपने मठ निकले भी नहीं है सीएम योगी आदित्यनाथ, तो कुछ ही देर में आगमन उनका होना है। ऐसे में गोरखपुर को बड़ी सौगात मिल रही है। आपको बता दें कि करीब करीब 2700 से 3000 के करीब जो है नौकरियां मिल रोजगार के अवसर देंगे, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए के जो है निवेश यहाँ पे उद्योगी करेंगे। उन समयों को कागज उनको देना जमीन का जिसमें उनको अलॉट किया गया है जमीन। ऐसे में बड़ी योजनाएं हैं और पूरा शेड्यूल जो 3 बजे तक का उनका बिजी शेड्यूल है। सीएम योगी आदित्यनाथ और सीधे यहां से जाएंगे गोरखनाथ मठ पे और मठ से जी हिमांशु बात करी जाए सीएम के दौरे की, तो हमेशा उनका कोई ना कोई उद्देश्य रहता है दौरे का, तो इस बार गोरखपुर के दौरे पर है, कई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। और बात करें जनता दरबार की, तो उसमें आज क्या कुछ अलग देखने को मिला? जी बिल्कुल, आज का जो कार्यक्रम था वो सरी था, लेकिन राष्ट्रीय शोक हो जाने की वजह से यूए के जो गांधी के निधन के बाद जो है राष्ट्रीय पेंडिंग कार्यक्रम को आज पूरा किया है कर रहे हैं। और आज पूरा करने के बाद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से मठ में जाएंगे। और आपको बता दें कि कल शनिवार को सीधे कुशीनगर से प्रधानमंत्री के दौरे के सुरक्षा व्यवस्था की जो है जांच करके वहां से गोरखपुर आए थे और यहां आने के बाद उनको कार्यक्रम करना था, लेकिन ऐसे में कल कार्यक्रम व्यस्त हो गया जिसको आज योगी आदित्यनाथ करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता हिमांशु जुड़े थे। वाराणसी के श्रृंगार गौरी विवाद में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो रहा है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे के लिए वादी और प्रतिवादी पक्ष के साथ ही कोर्ट की ओर से नियुक्त प्रतिनिधियों का दल ज्ञानवापी मस्जिद पहुंच गया है। एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग कोर्ट से खारिज की जाने के बाद सर्वे का आज दूसरा दिन है। ये सर्वे दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगा। वहीं अधिवक्ता कमिश्नर विश्वास सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे की कार्यवाही चल रही है और वादी और प्रतिवादी सभी इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो ज्ञानव्यापी का जो सर्वे है उसका आज दूसरा दिन है और काफी शांतिपूर्ण तरीके से सहयोग के साथ ये सर्वे किया जा रहा है। आपको बता दें कि मांग उठी थी, 5 महिलाओं ने याचिका दायर की थी कि जो साल में 1 दिन पूजा करने की अनुमति है ज्ञानव्यापी मस्जिद में, उसे रोजाना दी जाए, यानी कि रोजाना पूजा करने की अनुमति दी जाए, जिसको लेकर अब जांच चल रही है कि क्या मस्जिद में मंदिर है और अगर मंदिर है क्या उसके लिए अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। इन सब तमाम चीजों को लेकर अब कोर्ट में ये मामला चला गया है और जिस तरह से सर्वे किया जा रहा है आज उसका दूसरा दिन है और जिस तरह से वकील द्वारा ये बात अधिवक्ता कमिश्नर विशाल सिंह ने ये बात की जानकारी दी है कि शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे की कार्यवाही चल रही है, वादी और प्रतिवादी दोनों ही इसमें सहयोग कर रहे हैं, शांति व्यवस्था के साथ पूरी कार्यवाही चल रही है और जो भी फैसला कोर्ट का होगा वो सभी को स्वीकार्य होगा।
तो ज्ञान व्यापी में सर्वे का दूसरा दिन है और जब इसकी शुरुआत हुई तो हालांकि लोगों में नाराजगी देखने को मिली, लेकिन अब पुलिस और कोर्ट के आदेश का पूरा पूरा सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं सभी। और आपको बता दें कि श्रृंगार गौरी विवाद में ज्ञानव्यापी मस्जिद के दूसरे दिन की कार्यवाही भी दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगी। बीते दिन भी कार्यवाही देखने को मिली और उसकी रिपोर्ट सौंप दी गई थी और आज जो सर्वे किया जाएगा उसकी रिपोर्ट भी सौंप दी जाएगी। आपको बता दें कि सर्वे के बाद ही इस बात का खुलासा हो पाएगा कि क्या कुछ मस्जिद में देखने को मिलता है ज्ञानव्यापी मस्जिद में, और उसी के आधार पर कोर्ट फैसला करेगा, सुनवाई करेगा। और इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का दूसरा दिन है, 12 बजे तक कार्यवाही चलेगी, तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है? शांतिपूर्ण तरीके से पूरी कार्यवाही हो रही है? ज्ञानव्यापी के जो तमाम जो रहस्य जुड़े की बात कही जा रही है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में बाबा विश्वनाथ मंदिर के कुछ ऐसे मंदिर जो इतिहास के पन्नों को घुमाले तो वहां मौजूद हुआ करते थे, और इतिहास में जिसको बताया जा रहा है कि औरंगजेब के समय में ज्ञानव्यापी मस्जिद को मंदिर का रूप था, जिसको मस्जिद का रूप दे दिया गया, उसी को लेकर सर्वे चल रहा है। आपको बताया कि सर्वे 8 बजे से 12 बजे तक चल रहा है। वही अगर देखे तो सर्वे का आज अगर देखें तो 65% मिली जानकारी के अनुसार 65% जो हिस्सा है उसका जांच कर लिया गया है, वीडियोग्राफी कर ली गई है। वहीं आपको बताया कि अगर देखें कवित्तर बनारस को तो उनकी तरफ से तमाम जो सुरक्षा के इंतजामात है वो किए गए हैं। कल अगर बात की जाए तो कल 10 चक्र के सुरक्षा लगाए गए थे, आज उसको बढ़ाकर 12 कर दिए गए हैं, 12 चक्रों की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं आपको बताया कि सर्वे के जब 8 बजे से 12 बजे तक सर्वे का काम चल रहा है, तो कल और आज आसपास के जो इलाके हैं उन जो दुकानें हैं उनको खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, और अन्य लोगों को आपस में अगर देखें तो आसपास जो मोहल्ले हैं तो उनको एक पास 4 लोगों को खड़ा होने एवं घर से अनावश्यक निकलने से मना भी किया गया है। वहीं अगर देखें तो शांति व्यवस्था कानून काबू में करने के लिए जो पुलिस प्रशासन वो पूरी व्यवस्था की है। और वही अगर बात करें तो कल मुख्यमंत्री का दौरा भी था वहां, जिसको लेकर प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में था। वही जो बाबा विश्वनाथ का ज्ञानव्यापी के तरफ से गेट है वो जो श्रद्धालु है उनको जब तक सर्वे का काम चलेगा तब तक बंद किया गया, आज भी बंद किया गया, माना ये जा रहा है कि आज सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। वही आपको बताया सिखा की 1992 के बाद जो अंदर गुफाएं बनी है, जो अंदर तहखाने बने हैं, उसमें कोई नहीं गया था, और अब कोर्ट के आदेश के बाद वीडियोग्राफी की टीम पहुंची है। बहुत ही शांति तरीके से पूरे जो मस्जिद परिसर है उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है। अब तक कोई ऐसे मामले सामने नहीं आए हैं, और अजारक तत्वों पर पूरा पुलिस प्रशासन अपना निगाह बना के बैठी है कि कोई ऐसी अनहोनी ना हो। साथ ही आपको बताया कि ज्ञानव्यापी मस्जिद परिषद का कोर्ट के आदेश के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग का फैसला लिया गया था, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग के 65% जो एरिया है वो कवर कर लिए गए हैं, माना ये जा रहा है कि आज कंप्लीट हो जाएगा। तो देखने वाली बात ये होगी सिखा कि जब कोर्ट को ये वीडियो एविडेंस पहुंचता है तो कोर्ट क्या फैसला लेता है, मस्जिद और मंदिर का जो एक बीच में पेच फंसा हुआ है उसमें कोर्ट क्या कहता है। विभांशु, अगर पहले दिन के सर्वे की बात करी जाए तो पहले दिन के सर्वे में क्या कुछ जानकारी मिली है, क्या कुछ देखने को मिला मस्जिद के अंदर? जी सिखा, आपको बता दें कि इतिहास के पन्नों को अगर टटोल के देखें तो वहाँ के एक महंत जब औरंगजेब वहाँ आक्रमण करता है तो वो शिवलिंग को लेकर और बताया जाता है कुंड में छलांग लगा दिए शिवलिंग को प्रहार न कर सके। तो इन सब सभी जो इतिहास के पन्नों के तार है उस जो टीम है वो हर एक पन्नों को तलाशने का प्रयास कर रही है, हर एक जो पेच है उसको खंगालने का प्रयास कर रही है। वहीं आपको अगर बात करें तो कल के सर्वे में जो देखा गया उसमें साफ तौर पे ऐसी कलाकृतियां थी, आपने देखा कि सर्वे के पहले ही कुछ ऐसे तस्वीरें आई जिसमें मंदिर के जो गेट थे और साथ ही साथ जो दीवारें थी उसपे घंटे और जो हिंदू देवी देवताओं को फूल अर्पित किए था उनके जो दृश्य थे उनको दर्शाया गया था। तो कहीं ना कहीं आपको बताया सिखा अभी सामने नहीं आ पाया, मगर माना ये जा रहा है कि ऐसे कई सारे सर्वे टीम को अवशेष मिले हैं जो कि मंदिर होने का जो दावा है वो कहीं ना कहीं उस पर सहमत करते हैं।
वही अगर बात की जाए तो जो तमाम ऐसे तहखाने हैं, जो तमाम ऐसे जगह हैं ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर में, उन सब जगहों पे पूरी लाइटिंग की व्यवस्था करके वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद और जो टीम है उसके उसके द्वारा दी गई जानकारी के बाद हम ये कह सकेंगे क्या क्या चीजें आई। मगर अगर बात की जाए पहले दिन की सर्वे की, तो पहले दिन के सर्वे में कुछ ऐसे कलाकृतियां और वही सब चीजें निकल के आई जो पहले भी आई थी। तो ऐसे चीजों के रिकॉर्डिंग अब कोर्ट में प्रस्तुत होंगे, साथ ही साथ उसके बाद जो आम जनता है उसको भी बताया जाएगा। तो अभी तक बस यही बताया गया कि कलाकृतियां और जो पुराने जमाने में जो अहिल्याबाई के समय में जो मंदिर बनाया गया था, तो उसके भी जो बाबा विश्वनाथ के पुराने मंदिर में उन्होंने बनाया था, तो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर जो कि औरंगजेब के समय में कब्जा हो चुका था, तो अहिल्याबाई की तरफ से निर्माण कार्य है उसका कोई भी रूप देखने को नहीं मिला। जो भी निर्माण कार्य है वो पुरातत्व है, जो पुराने समय में बनाया गया था देश का। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे संवाददाता विभांशु वाणी त्रिपाठी जुड़े थे। तो आज सर्वे का दूसरा दिन है और ये सर्वे 12 बजे तक पूरा हो जाएगा, और ऐसा माना जा रहा है कि पूरे मस्जिद का ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे आज पूरा हो जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।